नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आज से 2 दिनों के दौरे पर भारत आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 14वें भारत जापान शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये जानकारी दी। आपको जानकारी के लिए बता दें, इस शिखर बैठक में दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों अलग अलग आयामों की समीक्षा करने और इसे और आगे बढ़ाने के रास्ते पर विचार करने का मौका मिलेगा। बैठक के दौरान दोनों नेता साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों नेता रूस और यूक्रेन के ताज़ा हालात पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा चीन पर भी बातचीत हो सकती है। बता दें कि जापान ने रूस को अलग थलग करने के लिए व्यापक वित्तीय प्रतिबंधों की घोषणा की है, लेकिन भारत ने युद्ध में किसी भी देश का पक्ष नहीं लिया है और संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान में भाग नहीं लिया। आपको बता दें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हालात को लेकर भारत और जापान के रिश्ते को काफ़ी अहम माना जा रहा है। बता दें कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ दोनों राष्ट्र इंडो पैसिफिक गठबंधन के सदस्य हैं, जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है। इसे चीन की बढ़ती आर्थिक पर लगाम लगाने के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल सितंबर में क्वाड नेताओं ने ऐलान किया था कि जापान कोविड-19 टीकों और दवाओं में $100 मिलियन के निवेश पर भारत के साथ काम करेगा। 2019-20 के लिए भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार $11.87 अरब को पार कर गया। जापान से भारत का निर्यात $3.94 अरब था, जबकि जापान से भारत का आयात $7.93 अरब था। भारत का मुख्य निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, मछली, कपड़े, लोहा और इस्पात उत्पाद, कपड़े और मशीनरी रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार जापान से भारत के आयात में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लोहा और इस्पात उत्पाद, प्लास्टिक सामग्री, मोटर वाहनों के पुर्जे, कार्बनिक रसायन और धातु शामिल हैं। भारत में जापानी निवेश 2000 और 2019 के बीच $32 मिलियन को छू गया। ये मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, दूरसंचार, रसायन, बीमा और दवा क्षेत्र में हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।